ये देखिए बीच में शटरिंग लगा दी गई है, ऊपर सरिया भी डाल लिया गया, अभी रेत क्रश पर अभी आ गया, नीचे फर्श डाल लिया गया ये वाला, और अभी साइडों पर दीवार बनाने के लिए शटरिंग लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो करते थे शुरू हाजरू जी रोड की एक नई अपडेट के साथ। शारा कश्मीर यानी कश्मीर रोड डडयाल ताकल सीधे रोड बन रही है इसकी नई अपडेट के साथ। और ये थोड़ा सा पीस जी यहाँ पर बेजर डालने वाला रह गया है और आगे जी यहाँ पर बेजर डाल लिया गया जी, ये देखें, और ऊपर खाका वगैरह भी डाल लिया गया है जी, चेक करें। खैर जी इस तरफ ये लाते रोड के, अभी आप लोगों ने देखा गाड़ी को जाते हुए धूल मिट्टी कितनी उड़ती है, यानी अगर आप लोग घर से निकले इस तरफ मुँह हाथ धो के, यानी अगर आप दाढ़ी जो है वो ब्लैक है तो यहाँ से गुजरते हुए आप लोग को दाढ़ी जो है वो ब्राउन या वाइट हो जाएगी। हेलमेट पहनना लाजमी है जी, अगर बाइक वगैरह पे हूँ तो थोड़ी बचत हो जाती है, लेकिन कपड़ों की बचत नहीं रहती, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है जी, खाका पड़ा हुआ सारा खाका उड़ता काफ़ी ज़्यादा है जी। और ये इस तरफ जी बड़ा प्यारा एक छोटा सा बाग लगा हुआ है, मेरे ख्याल से माल्टे के दरख्त हैं या लीमू के, माल्टा या लीमू वगैरह लगा हुआ है जी। और ये जी यहाँ पर आप रोड की हालत देख लें, सारा पत्थर जी वही पुरानी रोड की हालत है, कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ ज़रा भी, और गड़े अच्छे खासे बने हुए हैं, बारिश जब अगर हो जाए तो अच्छा खासा पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। ये देखिए साइडों पर सिर्फ जो है ये रोड को उखाड़ा गया है जी, जो पुरानी रोड थी उसको जी सिर्फ जो है उसकी खुदाई की गई है, ये साइडों पर जो आप लोगों को पत्थर नज़र आ रहे हैं ना ये पुरानी रोड के निकले हुए सिर्फ वही हैं, तो मज़ीद यहाँ पर इस तरफ कोई काम नहीं किया गया आगे। अच्छी खासी जी जो है गाड़ी या बाइक की यहाँ पर तबाही है, क्योंकि गड़े अच्छे खासे है और जंप जंप ही सारा पत्थर पड़ा हुआ जी, क्यों इसलिए। तो ये सिर्फ इस तरह जो रोड पहले बने थे सिर्फ वही जो है वही रोड उखाड़ी गई है और बाकी मजीद काम नहीं किया गया इस तरफ। तो ये जी वही इस पूरे बाजार है जी, छोटा सा बाजार भी है इस तरफ, तो पूरे बाजार में जी यही रोड की हालत है, जो पुरानी रोड बनी थी सिर्फ वही उखाड़ी गई है और मजीद इस तरफ कोई काम नहीं किया गया जी। अभी देखें कब तक इस तरफ काम शुरू होता है, लेकिन फिलहाल जी रोड की काफ़ी बुरी हालत और इस तरफ से जी गुजरना इंतहाई मुश्किल। तकरीबन जी इस वक्त जी हम लोग मौजूद हैं मोड़ा लंगड़ियाल, तो यहाँ से गुजर रहे हैं जी, ये रोड की हालत मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस तरफ, ये जी मोड़ा लंगड़ियाल में जी रोड की हालत सिर्फ पुरानी रोड की जी वो खुदाई की गई है, पुरानी रोड उखाड़ी गई है, मजीद इस रोड पर तो कोई काम नहीं किया गया जी, और इस तरफ काफ़ी काम स्लो है जी मोड़ा लंगड़ियाल में। हम लोग गुजर रहे बाजार से ही, यानी बाइक से भी पत्थर निकल के जी आगे पीछे जा रहे, तो गाड़ियों को आपको डंडाता लगा लें। ये देखें जी अच्छे खासे गड़े बने हुए हैं, और हमारे भाई जो बाइक चला रहे हैं ड्राइवर भी बड़े अच्छे हैं, सही गड़ा ढूंढ के ना उस गड़े के अंदर से बाइक निकालते हैं। पूरा जी मोड़ा लंगड़ियाल जी यही रोड की हालत है, बाजार में सिर्फ पुरानी रोड की खुदाई की गई है और जो है और कोई मजीद काम नहीं किया गया, ये चेक करें मोड़ा लंगड़ियाल बाजार में जी अच्छा खासा रोड का काम रह गया करने वाला, और पहले खुदाई होगी फिर बुराई होगी फिर जाके जी बेजर डालेंगे खाका डालेंगे फिर जाके जी कारपेट होगी, तो बहुत लंबा काम है जी अभी इस तरफ की। तो अभी मुझे उम्मीद है जी इन लोगों की, इस तरफ के लोगों की भी जी परेशानियां दूर होंगी जी, ये रास्ते की जी प्रॉब्लम है ये ख़त्म होगी जी। ये देखिए जी लगातार मैं पूरे बाजार से वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ,
और लगातार पूरे बाजार में सेम सिचुएशन है हर जगह। ये साइडों पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये पड़ी हुई, ये ब्लैक ब्लैक, ये पुरानी लुक है जी, जो पुरानी रोड बनी थी उसको उखाड़ा गया, वही उसकी जो लुक पड़ी है साइडों पे, तो वो ब्लैक लग रही है इस तरह, वही ब्लैक लग रही है, बाकी कुछ भी नहीं जी। तो ये जी मोड़ लंगड़ियाल से निकले आगे चौक खालसा वाली साइड पे जी, मैंने वीडियो पहले डाली हुई थी, तो इस तरफ जी जो है रोड की जो है थोड़ी सी जो है खुदाई हो रही थी इस तरफ। ये देखिए आगे आप लोगों को क्रेन लगी नजर आ रही होगी, ये जी ये सिर्फ क्रेन लगी है, इसने खुदाई की है जी अच्छी खासी, ये देखें बड़ा लंगड़ा था निकले, जो ही आप और चौक खालसा में इंटर होने वाले हों तो ये जगह जो है मोड़ा, तो यहाँ पर जी इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर ये रोड की कंडीशन है जी। ये देखिए जी पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया खुदाई कर रहे थे, और ये जी इस तरफ सारी मिट्टी है जी सारी, अभी कुछ देर पहले जी इस तरफ लगता है खुदाई की गई है सिर्फ, या बुराई की गई है, ये जी बुराई की गई है अभी, तो ऊपर जो है ये करा वगैरह चलाया गया, ये देखें अभी रूलर चला के कुछ देर जो है इसको बिठाया गया, ये रूलर खड़ा है जी और ये करा खड़ा है जी आगे गाड़ी के पीछे, तो इससे ये बराबर की गई है। तो अभी जी जो ही चौक खालसा से निकले तो आगे यहाँ पे जो बेजर तो डाल लिया गया था, लेकिन अभी खाका जी है, खाका वगैरह वो अनलोड कर रहे हैं जी, ये देखें खाका वगैरह उतार रहे साथ साथ, ये खाके के ढेर लगा रही है, अभी इसको बराबर किया गया, इसके बाद इसके ऊपर जी रोलर वगैरह चलाएंगे जी वो आगे तक। ये बिल्कुल चौक खालसा जहाँ से शुरू हो रहा है या जहाँ पे ख़त्म हो रहा है जी। ये जी ये पुल जो बन रहा है इस तरफ, इसका जी सरिया वगैरह डाल लिया गया लेकिन लेंटर डालने वाला रह गया, ये देखिए इस तरफ पानी खड़ा है, इसकी निकासी के लिए ये पुल बनाया गया जी, और ये देखिए बिजली शटरिंग लगा दी गई है, ऊपर सरिया भी डाल लिया गया, अभी रेत क्रश पर अभी आ गई है, तो उम्मीद है जी जल्द ही इसका लेंटर भी डाल देंगे जी। तो ये जी सहोट में मैंने जाते हुए दिखाया था, तो ये चेक करें ये इस तरफ जी अभी बराबर कर दी गई है बेजर जो है, और ऊपर थोड़ा सा मेरे ख्याल से खाका वगैरह भी डालने का काम शुरू किया गया है, और आगे रोलर खड़ा ना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो इसके बाद इसके ऊपर ये रोलर वगैरह चलाएंगे तो इसको सही बराबर कर देंगे, ये देखें इस तरफ, और ये खाका वगैरह पड़ा हुआ जी खाके को बराबर करके और फिर दोबारा ऊपर जी ये वाला रोलर चलाएंगे जी, ये आगे वाली साइड पर जी, ये खाके की डेरियाँ लगी हुई जी चेक करें, और बाकी इस तरफ जी खाका डला हुआ है दोनों साइड पर, बेजर पड़ा हुआ है और बेहतरीन रोड बन गई है जी। तो ये जी सहोट में जो पुली बन रही है उसकी दूसरी साइड पे काम ये जी जारी है, शटरिंग वगैरह बांध रहे हैं अभी, तो ये चेक करें एक साइड तो इसकी बन चुकी है, ये जी ये वाली साइड तो बन चुकी है, अभी दूसरी साइड बना रहे हैं जी शटरिंग वगैरह बांध रहे हैं, ये चेक करें यहाँ पे सरिये वगैरह निकले हुए, ये कनेक्शन करेंगे इसका इसके साथ जी, ये देखें ये वाली साइड बनी हुई है जहाँ पर ट्रैफिक गुजर रही है, तो इसकी खुदाई भी एक दो दिन पहले कर दी गई थी, लेकिन अभी जो है इसको नीचे फर्श डाल लिया गया ये वाला, और अभी साइडों पर दीवार बनाने के लिए शटरिंग लगा रहे हैं, और ये जी इस तरफ जी कंक्रीट मिक्सिंग के लिए मशीन वाला खड़ी है, और ये दीवार उस तरफ से जी यूँ करके और इस तरफ लेके जा रहे हैं इस तरफ, फिर ये सेंटर में जी ये दीवार बना रहे हैं, तो शटरिंग वगैरह बांध दी गई है, अभी इंशाल्लाह आज शाम को या कल तक जी इसकी जो है बुराई वगैरह शुरू करेंगे जी। ये बिल्कुल जैसे खड़ा हो जी सहोट में सामने वाली साइड पर जी पानी खड़ा हो जाता है, ये यहाँ पे खेत में पानी खड़ा होता है और उसके गुजरने के लिए जी ये बना रहे हैं यहाँ पे, तो उस तरह से पानी अभी गुजर के इस तरफ निकल जाएगा जी।
ये देखें जी, अभी शटरिंग वगैरह की सेटिंग कर दी है, लेवल वगैरह कर लिया, तो अभी कंक्रीट डालना शुरू करेंगे, शायद आज करें या कल करें शटरिंग बांध के। ये देखें, ये पट्टे वगैरह लगा रहे हैं अभी।